हेलो गाइस, मैं हूँ शिपाली एंड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं इतने टाइम से कोई नॉवल नहीं डाल पाई। प्लीज़ आई एम लिटरली सॉरी, मैं बहुत बिजी थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट मैंने अब मैं ठीक हो गई हूँ और आपके लिए नॉवल्स मैंने एक दो पढ़े हैं तो मैं वो डालती हूँ। ठीक है, आज मैं डालने वाली हूँ द कास्क ऑफ अमंतिलाडो। इसको लिखा है एडगर एलन पो ने और ये बहुत ही अच्छे राइटर हैं। इनके दो नॉवल्स मेरे फेवरेट हैं, एक तो द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर और द कास्क ऑफ अमंतिलाडो। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। इस नॉवल में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक तो मॉन्ट्रेसर और दूसरा फॉर्चुनेटो। मॉन्ट्रेसर कैसा है, वो हमेशा जेलस है फॉर्चुनेटो से, वो हमेशा चिढ़ता रहता है फॉर्चुनेटो से और ना हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखता है, मतलब ताकि किसी को पता ना चले उसे बुरा लग रहा है फॉर्चुनेटो की वजह से। फॉर्चुनेटो कैसा है, वो सब जगह से रिस्पेक्ट करते हैं लोग उसे, काफ़ी अच्छे स्टेटस में रहता है और उसने ना अनजाने में मॉन्ट्रेसर को हर्ट करा है कभी ना कभी, तो इसलिए मॉन्ट्रेसर उससे नाराज़ है, चिढ़ा हुआ है। और एक बार फॉर्चुनेटो ने उसकी इंसल्ट कर दी थी तो उस चीज़ का असर उसके दिल पर है मॉन्ट्रेसर के, और वो उससे बदला लेना चाहता है। तो उसने सोच रखा है अपना रिवेंज वो कैसे लेगा। तो एक बार क्या होता है, मॉन्ट्रेसर जा रहा था अपने रास्ते में और उसको दिखता है फॉर्चुनेटो। फॉर्चुनेटो ने काफ़ी ज़्यादा पी रखी होती है। फॉर्चुनेटो का पता क्या होता है, वो काफ़ी अच्छा बंदा होता है, दिल से भी साफ होता है, बट उसकी एक कमी होती है वाइन्स की। वो काफ़ी ज़्यादा पीता था और ना उसको वाइन्स टेस्ट करने का बहुत शौक़ था, तो वो अपने आप को सबसे अच्छा समझता था वाइन टेस्टर के रूप में। तो मॉन्ट्रेसर को ये कमी उसकी पता थी अच्छे से, क्योंकि वो उसको बहुत अच्छे से बहुत टाइम से जानता था। और जब मॉन्ट्रेसर फॉर्चुनेटो को देखता है तो वो उससे ऐसे हैंडशेक करता है इतने एंथुजियाज्म से जैसे उसका बहुत अच्छा और जिगरी दोस्त हो। तो फॉर्चुनेटो मॉन्ट्रेसर से भी हेलो करता है अच्छे से। फिर क्या होता है, तो मॉन्ट्रेसर कहता है फॉर्चुनेटो को कि और दोस्त कैसे हो, मतलब हालचाल पूछता है। फिर बोलता है कि पता है मेरे यहाँ पर एक वाइन आई है अमंतिलाडो। फॉर्चुनेटो कहता है अमंतिलाडो, वो वाइन तुम्हारे पास कैसे आई, वो भी इस मौसम में, स्प्रिंग के मौसम में तुम्हारे पास अमंतिलाडो, वाओ। तो मॉन्ट्रेसर कहता है हाँ मैंने वो किसी से ख़रीदी है, बट मुझे डाउट है कि वो असली अमंतिलाडो है भी या नहीं। अमंतिलाडो क्या है, एक वाइन है जो बहुत रेयर थी उस टाइम में, बहुत फेमस थी और बहुत कम जगह मिलती थी और बहुत महंगी भी थी। तो वो मॉन्ट्रेसर कहता है हाँ वो मेरे पास है, बट ना मुझे उस पर डाउट है कि वो अच्छी वाइन और मतलब कि प्योर वाइन है भी या नहीं, या किसी ने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया, क्योंकि मैंने उसके सारे पैसे दे दिए जैसे ही मुझे पता चला कि ये अमंतिलाडो है। तो फॉर्चुनेटो कहता है चलो मैं तुम्हें टेस्ट करके बताता हूँ, मुझसे अच्छा कौन टेस्टर होगा वाइन का। तो मॉन्ट्रेसर कहता है अरे नहीं यार, अभी बहुत लेट हो गया है, बेटर है अभी तुमने पी भी रखी है तो तुम बेटर अपने घर जाओ और फिर हम फिर कभी कर लेना टेस्ट, या मैं किसी और से करवा लूँगा, वो जान के ऐसा कहता है। तो फॉर्चुनेटो कहता है नहीं यार अभी चलते हैं, मैं टेस्ट करके बता दूँगा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें क्या पता किसी ने धोखा दे दिया हो, क्या पता वो रियल वाइन नहीं हो। तो कहता है कि चलो ठीक है। तो मॉन्ट्रेसर तो यही चाहता था कि फॉर्चुनेटो उसके घर आए, तो वो उसके साथ जाता है। वो घर पहुँचते हैं तो वो क्या करता है, मॉन्ट्रेसर अपने सर्वेंट्स को कह देता है घर जाने के लिए, रात काफ़ी हो जाती है वैसे ही, तो बोलता है तुम लोग घर जाओ। तो वो घर चले जाते हैं उसके सारे सर्वेंट्स। फिर क्या होता है, वो ना एक अंडर मतलब कि उनके घर के अंदर ही नीचे नीचे जाकर एक रूम होता है अजीब सा, जहाँ पे वो वाइन स्टोर करता था मॉन्ट्रेसर, तो वहाँ पे बहुत सारी वाइन्स होती हैं। तो फॉर्चुनेटो उसके साथ आ रहा होता है, पूछता है तुमने कहाँ रखी है इतनी ज़्यादा, इतना चल रहे हैं हम लोग, अभी तक तुम्हारी वाइन मुझे अमंतिलाडो देखने को नहीं मिली। तो कहता है अरे यार थोड़ा सब्र रखो, चलते जाते हैं। वो चलते जाते हैं तो बहुत अंधेरा भरता जाता है और ना वो एरिया मतलब स्टोर हाउस कह सकते हैं उसको, बट वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा नीचे होता है, अंडरग्राउंड कह लीजिए, तो वैसा होता है, बहुत डार्क रूम होता है और अंडरग्राउंड, तो बहुत ज़्यादा उन्हें चलना पड़ता है, उसका पेशेंस जवाब देने लगता है। बट वो इतना एक्साइटेड होता है अमंतिलाडो के लिए फॉर्चुनेटो कि वो कहता है कोई नहीं मुझे टेस्ट करने को तो मिलेगी ना। तो वो लोग चलते जा रहे होते हैं। फिर क्या होता है, जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ना एक उस बड़े से हॉल या बड़े से रूम के अंदर ही एक छोटा सा रूम होता है, अंधेरा वैसे ही होता है, वो बहुत रेयरली उन्हें दिख रहा होता है, कैंडल्स की रोशनी से वो लोग देख रहे होते हैं। उस रूम के अंदर एक छोटा सा रूम होता है, उसमें देखता है
मॉन्ट्रेसर कहता है कि मैंने अमंतिलादू यहीं पर स्टोर करके रखे हैं। तो फॉर्चुनेटो कहता है चलो मैं देखता हूँ, मैं भी टेस्ट करता हूँ उसको। तो जैसे ही वो उस छोटे वाले रूम के अंदर जाता है तो क्या करता है मॉन्ट्रेसर, फटाफट से मतलब कि वो देख रहा होता है वाइन वहाँ पे रखी होती है, तो फटाफट से मॉन्ट्रेसर उसे क्लोज करने लगता है, ईटर लगाने लगता है और उसे को बंद करने लगता है सीमेंट से। तो अंधेरा काफ़ी होता है तो फॉर्चुनेटो को ये सब दिख नहीं पाता है, तो वो जल्दी जल्दी से कर देता है और इतनी जल्दी करता है कि वो पूरा होने ही वाला होता है, लास्ट ब्रेक बची होती है। तो तब उसका ध्यान जाता है फॉर्चुनेटो का, वो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? तो कहता है कुछ बोलता नहीं है और वो लास्ट जो ब्रेक होती है वो भी लगा देता है। और फिर क्या होता है, जो फॉर्चुनेटो होता है वो कहता है प्लीज़ भगवान के लिए तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मुझे धोखा दिया ये वो। और वो लास्ट ब्रेक लगाने के बाद उसके दिल को सुकून मिलता है, उसको लगता है उसने अपना बदला ले लिया और मॉन्ट्रेसर वहाँ से चला जाता है और फॉर्चुनेटो की आवाज़ वहाँ से आनी धीरे 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 करके बंद हो जाती है। और इस नॉवल को बताया है, नरेशन भी किया है मॉन्ट्रेसर ने, वो सब बता हो रहा था कि मैंने क्या क्या किया और कैसे कैसे फॉर्चुनेटो का बिहेवियर था, उसने कैसे बदला लिया। और ये नॉवल यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको नॉवल अच्छी लगी, नरेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट